दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैश कैसे बढ़ा जाए, इनविजिबल कैसे हुआ जाए, प्लेयर मॉडल कैसे चेंज किया जाए, गाड़ियां कैसे स्पॉन की जाए, मीटियोर मोड कैसे लाया जाए, एनिमीज कैसे स्पॉन किया जाए, बॉडीगार्ड कैसे लाए जाए, एनिमेशंस कैसे किए जाए और भी बहुत कुछ। तो गाइस अगर आप ये सब सीखने के लिए रेडी हो तो लेट्स बिगिन। तो गाइस मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल करना बताओ। तो गाइस आज मैं सिर्फ आपको इंस्टॉल करना ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसे प्रॉपर यूज करना बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। तो गाइस जितने भी नेसेसरी ऑप्शन हैं हम सबको एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। तो गाइस मेन्यू ट्रेनर खुलता है F8 से, इंस्टॉल करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सारे फंक्शंस देखते हैं। प्लेयर ऑप्शंस में हम जाएंगे, सबसे पहले बेसिक स्टैट्स में बढ़ेंगे। दोस्तों बेसिक स्टैट्स में तीनों प्लेयर आ जाते हैं। देखिए माइकल का कैश दिखा रहा है, अभी कैश देख लीजिए आप कितना है। आप दोस्तों आपको इस ऑप्शन में जाके यहाँ पे कैश फीड कर देना, आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, आप अपने कीबोर्ड से इनपुट वैल्यू कर सकते हो। देखो मैं 99999 डाल रहा हूँ और ये देखिए गाइस कैश कितना हो गया। लोग पूछते थे मुझसे कैश का कोई चीट बताओ, तो गाइस कोई चीट नहीं, यहाँ से देखिए सिंपल ये हो जाता है। और भी यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एबिलिटीज वगैरह के ऑप्शन है, इसमें आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो और भी बहुत सारी चीजें जो आप बढ़ा सकते हो दोस्तों इसमें। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में जो कि हमारा मॉडल चेंजर, इससे हम आपको पूरा मॉडल चेंज करके दिखाएंगे। दोस्तों देखिए इतनी सारी वैरायटी है, आप जो चाहे वो मॉडल यहाँ पे रख सकते हो। पहले मैं एक बार फ्रैंकलिन ट्राई कर लेता हूँ कि फ्रैंकलिन कैसा होता है, उसके बाद मैं आपको और भी मॉडल चेंज करके दिखाऊंगा। तो गाइस पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ये रहा फ्रैंकलिन, देखिए फ्रैंकलिन स्पॉन हो चुका है। देखिए इसमें थोड़ा बहुत सा ग्लिच है, अच्छी तरह स्पॉन नहीं हो रहा था, तो हम दूसरा मॉडल ट्राई करते हैं। देखिए बहुत सारे मॉडल हैं, ये देखिए हमने कोई अलग सा कल्ट ओल्ड मिल ट्राई कर दिया यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों माइकल हम वापस यहाँ पे बन जाते हैं। देखिए इस बार नए कपड़े हैं, कपड़े वॉर्डरोब में जाके ऑप्शन सेम जगह में एक ऑप्शन आएगा वॉर्डरोब, आप वहाँ जाके कपड़े भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों उसमें दिखा देता हूँ, ये देखिए नीचे रहा वॉर्डरोब, इसमें हम बढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले ऑप्शन में एनिमेशन में। दोस्तों इसमें आप कोई भी एनिमेशन करवा सकते हो इससे, देखिए मैंने पुशअप्स करवा दी, अब दोस्तों और कोई करवानी आप और कोई करवा दो। टॉप एनिमेशन कर दोगे तो वो एनिमेशन रुक जाएगी, दुनिया भर की एनिमेशन गाइस आपको जैसी चाहिए आप वैसी कर दो। देखिए अब मैं और दिखा देता हूँ एक दो और, कम हेयर नो वे देयर गोना किल मी, स्लीप देखिए स्लीप कैसी है, यहीं से हो गया। अब दोस्तों आप F9 दबाइए, F9 से देखिए ये पिकअप आ जाता है, ये मेन्यू ट्रेनर का पार्ट है, उठा के आप कहीं पे इसे प्लेस कर दो। देखिए यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया बढ़िया करके, आप किसी सोफे पे कर दो, किसी बेड पे कर दो, घास पे कर दो, इससे आप अपनी स्टोरी में एक छोटा मोटा एडिशन आप दे सकते हो, माइनर सा सीन। तो गाइस बाकी के ऑप्शन भी देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इतने काम के नहीं है। आइए बढ़ते हैं जो काम की चीजें हैं उस पे। तो गाइस ये देखिए रिप्लेनिश प्लेयर का ऑप्शन है यहाँ पे, इसे आप दबाओगे ना, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरा आर्मर 0 है, देखिए इसको दबाता हूँ मैं और ये देखिए आर्मर फुल हो गया। आपकी हेल्थ भी अगर कम हो आप इसको दबाओगे तो हेल्थ भी फुल हो जाएगी, इससे आपकी रिप्लेनिश होती है। अगला ऑप्शन है इनविंसिबिलिटी, इसे दबाओगे तो आप कभी मरोगे नहीं, गोड मोड है। और ये था इनविजिबिलिटी, देखिए आपने दबाते गायब हो गए, दिख नहीं रहे, वापस करोगे तो आप दिखने लग जाओगे। और भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, सुपर जंप वाला ट्राई करते हैं, देखिए इसे आप दबाओगे तो देखिए कितना भाई साहब, देखिए कितना ऊपर कूद पा रहे हो। दोस्तों ये सारे फन के लिए, आप चाहे तो सुपर जंप मतलब मजे के लिए यूज कर सकते हो, वैसे इसका गेम में और मिशंस में कोई काम नहीं है। आइए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, थोड़े इंपॉर्टेंट वालों पे नीचे करते हैं। नीचे देखिए ये स्मैश एबिलिटी, ये मतलब हल्क वल्क बनोगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। और भी देखिए फ्लाई मैनुअल फ्लाई ऑटो सब काम के हैं, वांटेड लेवल पे आते हैं, ये काम का है। देखिए गाइस इसको बढ़ाते ही देखिए ऊपर 4-4 पुलिस हो गई हमारी, कम करोगे तो पुलिस हट जाएगी। नेवर वांटेड है, इसे इनेबल करोगे तो कभी पुलिस पड़ेगी नहीं आपके पीछे, आप कितना भी मारो। और बाकी स्पीड वीड बढ़ाने के दोस्तों यहाँ पे है, तो ये हमने स्किप किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्हीकल ऑप्शंस पे। अब दोस्तों गाड़ी स्पॉन करना मैं आपको बताता हूँ, व्हीकल स्पॉनर में आप जाना और जो गाड़ी आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए हम सुपर में गए हैं और चीता कर देते हैं, चीता आप जो चाहे वो कर सकते हो गाइस। बहुत सारे ट्रेलर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, बाइक्स हैं, बस F9 दबा के राइट क्लिक करके एंटिटीज इन डाटाबेस करना मत भूलना। एंटिटीज इन डाटाबेस करने से गाड़ी सेव हो जाती है, वो कभी गायब नहीं होगी। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे व्हीकल रिलेटेड ऑप्शंस, मतलब कैसे आप इसको मॉडिफाई करें, कैसे इसमें चीजें व्हील्स वगैरह बदलें। तो दोस्तों उसके लिए चाहिए होता है मेन्यू कस्टम्स, वो भी व्हीकल ऑप्शन में, देखिए ये रहा मेन्यू कस्टम्स। अब देखिए व्हील, स्पॉइलर, एग्जॉस्ट, इंजन, ब्रेक, ट्रांसमिशन, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों मैं आपको पेंट का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप व्हील वगैरह सबको चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं पेंट चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए व्हाइट मैंने दिया और व्हाइट कार हो गई है। दोस्तों ये तो था ही, और भी आप बहुत चीजें कर सकते हो इससे। आइए थोड़े बहुत और ऑप्शंस देख लेते हैं मेन्यू कस्टम्स में। देखिए टर्बो वर्बो के हैं, लाइट्स के हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, प्लेट प्लेट के हैं। दोस्तों टॉप स्पीड, अब कोई मुझसे पूछ रहा था स्पीड कैसे लिमिट की जाए, दोस्तों वो यहाँ से होती है, यहाँ आप जितनी कम स्पीड करोगे उससे ज्यादा कभी क्रॉस ही नहीं होगी, और इसलिए आप कोशिश करिए इसे मैक्सिमम रखो। अब जरूरी नहीं टॉप स्पीड पे हर गाड़ी पहुंचेगी, लेकिन आप लिमिटेड यहाँ से कर सकते हो। अब दोस्तों और ऑप्शन दिखा देता हूँ, व्हीकल मल्टीप्लायर, इससे दोस्तों आप एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हो, मतलब गाड़ी बहुत तेज भागेगी। रिवर्स से आप रिवर्स में करोगे तो रिवर्स में तेज भागेगी। दोस्तों ये यहाँ से छोटे मोटे हो गया। स्पीडोमीटर के बारे में मुझसे बहुतों ने पूछा है, तो गाइस वो यहाँ से होता है, देखिए राइट साइड में स्पीडोमीटर गायब हो गया, एनालॉग करा तो बड़ा वाला आ गया। दोस्तों मुझे सिंपल डिजिटल अच्छा लगता है इसलिए मैं ये रखता हूँ, आप जो चाहे वो रख सकते हो। तो गाइस ये तो व्हीकल के हो गए, अब टेलीपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शन, आप कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है कि मैप में आप जाओ और कहीं पर मार्क कर लो।
देखिए मैं यहाँ पे मार कर लिया, अब फिर से हम टेलीपोर्टिंग में जाएंगे और टेलीपोर्ट टू द वे पॉइंट करेंगे। देखिए टेलीपोर्ट में वे पॉइंट पे क्लिक करा और वहाँ पहुंच गए। सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही टेलीपोर्ट है गाइस। अगर आपको कहीं दूर जाना है आप सीधा मार्क करो और टेलीपोर्ट टू द वे पॉइंट कर लो, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा और दिमाग भी कम खराब होगा। अब गाइस वेपन ऑप्शन में बढ़ देते हैं, पहले मैं आपको वेपन दिखा देता हूँ। देखिए आधे स्लॉट खाली है, आधे है नहीं, ज्यादा वेपन हमारे पास है नहीं, तो वेपन ऑप्शन में जाएंगे, ये वॉल्व वेपन कर देंगे। दोस्तों देखिए सारे वेपन हमारे पास आ चुके हैं। इसी ऑप्शन में जाके आप दोस्तों इनफिनिट एमओ वगैरह कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो वेपन से रिलेटेड, उनकी डिटेल में मैं अभी जाऊंगा नहीं, आप जाके खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। वेदर ऑप्शंस में दोस्तों बढ़ते हैं और जो भी आपको वेदर रखना है वो सब कर सकते हो यहाँ से। देखिए स्मोक डाला, थोड़ी स्मोक हो गई, रेन करा, देखिए बारिश होने लग पड़ी, और भी बहुत सारे हैं। इसमें नीचे का ऑप्शन होता है स्नो ऑन टेरेन, इसे देखिए दबाएंगे तो पूरा अपना फ्लोर देखिए स्नो से भर जाएगी। अब नीचे देखिए विंड वेव वगैरह की स्पीड के मल्टीप्लायर, इन भी हम छेड़ेंगे नहीं, ग्रेविटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे टाइम पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए आर में हमें आगे कम ज्यादा करना है और देखिए रात हो जाएगी, दिन हो जाएगी। अगर आपको जल्दी टाइम बदलना है तो आप यहाँ से इसे यूज करके बदल सकते हो, फिर पोस्ट क्लॉक कर दोगे तो वो टाइम कभी चेंज नहीं होगा। गाइस ऑब्जेक्ट स्पूनर के बारे में हम आखिरी में बात करते हैं, बढ़ते हैं पहले मिसलेनियस पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मीटियोर शावर मोड से। देखिए यहाँ पे हम इसे करेंगे और देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर गिरने पर लग पड़े। दोस्तों ये मीटियोर शावर है, देखिए एकदम कैसे मतलब मौसम देखिए कैसा हो गया, बरसात वाला, और कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं गाइस। इससे आप ऐसी चीज स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो ये देखिए शहर में क्या हो रहा है, देखिए कितने बढ़िया ग्राफिक्स लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े चलते हुए पत्थर आप पे गिर रहे हैं। दोस्तों मस्त है नहीं, इससे ऐसे ऐसे बहुत सारे मोड है यहाँ पे, ये आपको मिसलेनियस ऑप्शन में मिलेंगे। दोस्तों इसे आप रोक देते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, सर्वर पे गिर गया तो मर जाऊंगा, दिक्कत होगी। तो गाइस ये देखिए इसे रोक देता हूँ मैं, F8 जाके सिंपल मिसलेनियस ऑप्शन में जाके आप इसको डिसेबल कर देना। देखिए डिसेबल हो गया, अब देखिए तो हल्की फुल्की बरसात है, पानी वानी जमा हुआ है, इसको बाद में हम हटवा देंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। दोस्तों मिसलेनियस में नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज पेड और डिक्रीज व्हीकल पॉपुलेशन का। इससे देखिए रोड बिल्कुल खाली हो गए, काफी कम व्हीकल हो गई हैं, इसको इनेबल करोगे तो दोस्तों काफी सही रहेगा, आपको ड्राइव ड्राइव करने में आसानी रहेगी। अब दोस्तों आगे के ऑप्शन रात में अच्छे लगते हैं इसलिए मैं रात कर रहा हूं यहां पे। देखिए अब मिसलेनियस ऑप्शन में जाएंगे और देखिए सिंपल ब्लैकआउट मोड पहले ट्राई करते हैं। देखिए बिल्कुल लाइट वाइट जा चुकी है, यहां तक कि हेडलाइट भी बंद हो गई थी गाड़ियों की। दोस्तों ये थोड़ा फनी मोड है जंप अराउंड मोड, देखिए गाड़ी कैसे उछल रही है, देखिए लोग भी उछल रहे हैं, गाड़ियां उछल रही है। दोस्तों इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रहा इसे। फायरवर्क्स देखिएगा इस कितना बेहतरीन लगता है गाइस, अगर आप कुछ मतलब बड़ा मिशन कर लो तो इसे आप प्ले करो और बोलो कि देखिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। गाइस बहुत बड़ा व्यू था, इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट मोड पे बढ़ेंगे दोस्तों मैसेकर मोड, इसे दबाते ही दोस्तों ऐसी तबाही होती है ना, देखिए कौन भाई सारी चीजें गाइस फटने लग जाएंगी इसे दबाते ही। देखिए कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब खतरनाक सीन है, मतलब देखिए पानी वानी फट रखा है, देखिए आग के गोले गिर रहे हैं भाई, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रक्शन वाला माहौल है गाइस। इसको जल्दी से बंद करते हैं नहीं तो दिमाग फट जाएगा गाइस इसमें, देखिए कितना मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ है आसपास। ओ भाई गजब सीन था गाइस, वो देखिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ पट रखी है, ये मोड गाइस सबसे खतरनाक है। अब दोस्तों इसमें देखिए और भी काम के मोड है, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप दिन कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन मोड है ऑब्जेक्ट स्पूनर मोड। गाइस सबसे बेहतरीन मोड है ये मिशन बनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए GTA 5 में। गाइस थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्लियर हो जाएगा, मैं आपको देखिए जाके मैं दिखाता हूँ और इसे बताता हूँ कि कैसे यूज किया जाए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है ये, बस इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके ऑप्शंस। तो गाइस पहले हम चलेंगे ऑब्जेक्ट स्पूनर में। ऑब्जेक्ट स्पूनर में स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड पैड करेंगे, क्योंकि व्हीकल का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए पैड देखिए कितने सारे पैड्स हैं। अब दोस्तों मैं 3 रैंडम पैड यहाँ पे कर देता हूँ और फिर आपको उनका यूज बता देता हूँ। 3 देखिए मैं यहाँ पे रैंडम कर चुका हूँ, आप कोई से भी 3 कर सकते हो, बॉडीगार्ड कर सकते हो, पुलिस कर सकते हो। अब इनको F9 दबा के दोस्तों प्लेस कर दीजिए आपको जहाँ प्लेस करना है। मैं अपने आपको फेसिंग में प्लेस कर देता हूँ ताकि तीनों मुझे देखें। आप जहाँ मर्जी प्लेस कर सकते हो इन्हें, बिल्डिंग पे, गेट पे, गार्ड्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। दोस्तों बहुत सारे मॉडल्स हैं, दोस्तों किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब गाइस F9 दबाना है आपको और देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, F9 दबाना है और दोस्तों इस पे राइट क्लिक कर देना है जिस पे आपको कंट्रोल करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हो, इसकी हेल्थ यहाँ से बढ़ा सकते हो, इनविंसिबल मतलब वही गॉड मोड, फायर प्रूफ, जो ऑप्शन दोस्तों आपके में वो सारे ऑप्शन यहाँ भी आएंगे। मेन ऑप्शंस की हम बात करते हैं, देखिए इनविजिबिलिटी मैं कवर कर चुका था। मेन ऑप्शन देखिए ये है पैड ऑप्शंस, इसमें हम जाएंगे। दोस्तों पहले इनके कपड़े चेंज कर देता हूँ वार्डरोब में, ये मैंने उसमें बताया नहीं था पहले जब मैं खुद को करा था। इसमें देखिए आप यहाँ पे जाके टोर्सो में देखिए अलग अलग कर सकते हो, इसमें मैं कर दिया। दोस्तों आप और भी कपड़े चेंज कर सकते हो यहाँ से। अब दोस्तों एनिमेशन, सीनेरियो एक्सेंस, दोनों में एनिमेट कुछ ना कुछ होगा, पहले हम सीनेरियो एक्सेंस में जाके कुछ करते हैं। देखिए स्मोकिंग वीड करा, देखिए कैसे वीड फूक रही है। अब दोस्तों और भी बहुत सारे, फिशिंग करा, देखिए रोड आ गई। अपने आप दोस्तों सीनेरियो आ सकते हैं और एनिमेशन हो सकते हैं, एंड करोगे तो ये एंड हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसी तरह मूड स्टाइल वेपन, वेपन में देखिए आप कोई सा भी इसको वेपन दे दो जो आप चाहते हो, मतलब इसे वेपन चलाए वो वेपन आप इसको दे दो, वेपन यहाँ से दे सकते हो। दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हम इसमें डिटेल में जाएंगे। टास्क सीक्वेंस दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से आप इसको एनिमेशन यानी आप इसको कोई टास्क दे सकते हो, जैसे कि कोई भी आप देखते हो कि ये आपको गार्ड कर रहा है, अटैक कर रहा है। मैं अटैक वाला आपको सिखा देता हूँ, बहुत लोग कह रहे थे कि अटैक कैसे करवाएं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन है, फाइट पैड आप कर दो, फाइट पैड यहाँ पे हमने किया, फिर उसमें जाके आप सेल्फ कर दो,
अब दोस्तों देखिए मैंने सेल्फ कर दिया, अब जैसे मैं यहाँ पे स्टेटस को इनेबल करूंगा ना ये आपको मारने लगेगी। देखिए गाइस इससे दोस्तों आप अपने एनिमी स्पॉन करो बहुत सारे और उन्हें कमांड दो कि वो आपको अटैक करे। देखिए कैसे ये आपको अटैक कर रही है। सिमिलरली दोस्तों आप डिफेंड के लिए भी दे सकते हो कमांड, उससे क्या होगा कोई आपको मारेगा तो वो डिफेंड करेगी। दोस्तों देखिए इसे मुझे मारना पड़ा क्योंकि देखिए आर्मर तो खाई गई थी, हेल्थ भी आधी कर दी गई थी। सिमिलरली दोस्तों आप दो लोगों को लड़वा भी सकते हो। इसमें आप खुद की जगह देखिए मैं फिर से वही सेम ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे फाइट पैड का, इस बार इस एजेंट को दे देता हूँ और इनेबल करता हूँ। अब देखिए इसका ये भूत भरेगा, ये आपको नहीं मारेगा ये इसको मारेगा। दोस्तों इसी तरह की भी आप कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि दो लोगों को लड़वा दिया फिर आप बीच में जाके बचा लो। तो गाइस ऐसी बहुत सारी आप स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो मेन्यू ट्रेनर की हेल्प से। अब दोस्तों आपको स्टोरी क्रिएट करना तो आ गया बट इंस्टॉल करना तो अभी भी नहीं आया, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करें। तो गाइस जिन लोगों को नहीं आता इंस्टॉल करना बिल्कुल ध्यान से देखना, और जिनको गाइस इंस्टॉल करना आता है वो वीडियो यहाँ पे एंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे का काम सिर्फ इंस्टॉल करना बताऊंगा मैं। तो गाइस आपको मेन्यू ट्रेनर डालने के लिए आपको आ जाना है GTA 5 मॉड्स की साइट पे। दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में लिख देना है MENYOO, देखिए मैंने लिख दिया सर्च, आप दबा देना। दोस्तों पहला ही ऑप्शन आ जाएगा मेन्यू PC, इसको दोस्तों खोलिए और इसको कर लीजिए डाउनलोड यहाँ से। तो गाइस जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे कुछ ये वाली फाइल आएगी मेन्यू SP के नाम से, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे कर दोगे तो देखिए ये सारी फाइलें आ जाएंगी। इसमें से मेन्यू स्टफ और menu.asi इन दोनों को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके कर लो कॉपी। अब दोस्तों आपको आ जाना है GTA 5 के मेन फोल्डर में जहाँ पे आपने GTA 5 इंस्टॉल किया है, बस मेन फोल्डर में आप जाना, राइट क्लिक करके कर देना बस पेस्ट। अब दोस्तों मैंने तो पहले से पेस्ट किया हुआ है इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, आपके में सीधा पेस्ट हो जाएगा गाइस। और जब आप पेस्ट कर दो तो F8 गेम में जाके F8 दबाना और ये मेन्यू ट्रेनर चल जाएगा। सेम स्टेप होता है दोस्तों सिंपल ट्रेनर इंस्टॉल करने का, इसलिए मैं वही सिंपल ट्रेनर इंस्टॉल करना मैं आपको बता नहीं रहा। तो गाइस ये तो थी आज की वीडियो, अभी भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।